अब हमें रिक्वायर्ड है इस इक्वेशन को हमें सिंपलीफाई करना है। इसमें ए बी सी और एस की जो वैल्यू है वो हमें फर्स्ट करके सिंपलीफाई करना है। सबसे पहले हम एस की वैल्यू इस इक्वेशन को यूज करते हुए फाइंड करेंगे, यानी एस की वैल्यू हमारे पास आएगी जब हम ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 ये ले लें। देखिए अब यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है ए 9 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइड बाय 2। अब अगर हम 9 को 12 के साथ ऐड करें तो वो 21 बन जाएगा, और यहाँ अभी 15 के साथ जब हम इसे ऐड करें तो ये 36 डिवाइड बाय 2 बन जाएगा, और ये बराबर है हमारे पास 18 के। एस की जो वैल्यू आ गई है वो है 18। अब एस की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है, ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, बी की भी ऑलरेडी गिवन है, सी की भी गिवन है। तो अब इस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज को जो है वो पुट करेंगे और जो एक इक्वेशन है इसे हम सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ देखें इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह है कि एस इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। अब यहाँ देखिए एस ए बी और सी की वैल्यू हम पुट करेंगे। एस की वैल्यू हमारे पास है 18 मल्टीप्लाई 18 माइनस 9 18 माइनस 12 18 माइनस 15। अब 18 माइनस 9 जो है हमारे पास वो बराबर है 18 को, फिलहाल मैं अपनी जगह यहाँ लिख लूंगा। 18 माइनस 9 हमारे पास बराबर है 9 के, 18 माइनस 12 हमारे पास बराबर है 6 के, और 18 माइनस 15 जो है वो हमारे पास बराबर है 3 के। तो यहाँ अब ये जो वैल्यू है इन्हें मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये इक्वेशन हमारे पास बहुत सिंपल हो जाएगा। ये हमारे पास कैलकुलेटर है, इसमें ये वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 ये बराबर है 162 के। 162 को हम 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2916 यानी 2916। अब इसका अगर हम अंडर रूट ले लें तो ये हमारे पास बराबर है 54 के। अंडर रूट 2916 हमारे पास बराबर है 54 के, यानी जब हम 54 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लें आप इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि 54 और फिर हमारे पास दोबारा इसके बराबर है और अंडर रूट से हार अपनी जगह। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है, ये इक्वेशन हमारे पास बराबर है 54 के। आप इसमें x ये इजाफा भी कर सकते हैं कि s इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी इक्वल टू 54। तो भी बच्चे आपका लेक्चर, आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 को फिनिश किया। अगर आप इस लेक्चर में कंफ्यूज हो रही है जब आप नहीं समझ पा रहे और इस लेक्चर में, तो आप इसके लिए हमसे हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर पूछिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हमारा जो लेक्चर होगा इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 आता है, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा बेसिक्स फॉर एक्सरसाइज 4.3 के बारे में। तो तब तक के लिए भी हमारे लाभ।